हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल सूद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। जो भी मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो जो स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो सबसे खास रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा और बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजी स्टेप्स बताऊंगा। कंप्यूटर ट्रिक्स फॉर किड्स, यानी बहुत ही आसान ट्रिक्स बताऊंगा जो उनके काम आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि आज की वीडियो मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, कंप्यूटर ट्रिक्स फॉर किड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। ये सारा जो है ये डेस्कटॉप एरिया होता है। उसके बाद जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं इनको बोलते हैं आइकन्स, इन्हें कहते हैं आइकन्स। उसके बाद जो आप नीचे बाउंड्री देख रहे हैं इसे आप बोलते हैं स्टेटस बार। ये सारा डेस्कटॉप हो गया स्टूडेंट्स, इन्हें हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स के हैं शॉर्टकट, इनको हम बोलेंगे आइकन्स, और इसे हम जो लाइन है इसे बोलेंगे स्टेटस बार। तो डेस्कटॉप के बारे में आपको पता लग गया है। अब डेस्कटॉप के आप पीछे विंडोज 7 की थीम देख रहे हैं, इसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने माउस पे राइट बटन प्रेस करना है, लास्ट वाला ऑप्शन पर्सनलाइज, लास्ट वाला ऑप्शन पर आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि बहुत सारे थीम्स यहां पर आ जाएंगे। आप कोई भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये देखिए जो थीम है वो डेस्कटॉप की चेंज हो चुकी है। इसी तरह आप कोई भी थीम लगा सकते हो, ये देखिए आप कोई भी थीम लगा सकते हो। वापिस विंडोज 7 की ही थीम लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप डेस्कटॉप के बारे में जान ही गए हो, आइए अब आगे शुरू करते हैं। इस स्टेटस बार में आप देख सकते हैं ये दो छोटे छोटे आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। ये इसलिए होते हैं कि अगर हमने शॉर्टकट तरीके से कोई शॉर्टकट सॉफ्टवेयर ओपन करना हो, हम इन्हीं में से कोई भी सॉफ्टवेयर को यहां पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मोजिला फायरफॉक्स को यहां पर सेट करना है तो मैं इसे ड्रैग करके यहां पर इसके यहां पर ऐसे छोड़ दूंगा। देखिए फ्रेंड्स हमने करना क्या है, जैसे ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है, हमने इसको सिंपली एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करके माउस को पकड़ के रखना है, ड्रैग करके यहां पर ऐसे इसको छोड़ देना है। इससे क्या होगा, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम यहां पर डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर साइड पे ऑप्शन आता है। ये कौन से ऑप्शन होते हैं, देखिए सबसे पहले ये होता है विंडो की अगर कोई इश्यू होता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं, ये वो शो करता है, फ्लैग बना होगा, उसके आगे क्रॉस का एरर होगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो रोंग जहां पर आ रहा है, ये नेट कनेक्शन है। अभी मैंने नेट कनेक्शन बंद किया हुआ है इसलिए यहां पर एरर दे रहा है। नीचे इसके साउंड का ऑप्शन देता है, अगर आपके कई बार स्पीकर की स्टूडेंट्स आवाज कम हो तो आप यहां से स्लो यहां से फास्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद साइड पे ये टाइम देख रहा है, आज मंडे है, आज की तारीख बता रहा है। अगर हम इसको चेंज कैसे करेंगे, आपको सिंपली टाइम के ऊपर डबल क्लिक करना है, एक क्लॉक आ जाएगी, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम फिर यहां पर क्लिक करना है। देखिए जनवरी 2018 जैसे आज 29 तारीख है, अगर 23 होगी तो आपको यहां पर 29 कर देनी है फ्रेंड्स। उसके नीचे आप साइड पे देखेंगे क्लॉक के नीचे आपको टाइम बता रहा है, अगर यहां पे 6 होगा 7 होगा तो आपको यहां से चेंज कर सकते हो, एएम पीएम आप यहां से चेंज कर सकती हो फ्रेंड्स। तो ये तो आपको पता लग गया। उसके बाद एक और फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप यहां पर अपना स्टेटस बार में आप अपना नाम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर को हम शॉर्टकट खोलने से यहां पर ड्रैग करके लेके आना है, इससे हम शॉर्टकट ओपन कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के बारे में और जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा आप यहां पर अपना नाम कैसे लिख सकते हैं। आपको एक स्टूडेंट्स एक न्यू फोल्डर बनाना है। जैसे मैंने अपने नाम का फोल्डर बनाया राहुल सूद। स्टूडेंट्स फोल्डर बनाने के बाद आपको यहां पर राइट क्लिक करना है, लेकिन ये स्टेटस बार के ऊपर जो एरो आप देख रहे हो, ये वाला एरो जो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं,
इसको आप स्टेटस बार पर लेके आइए, राइट क्लिक दबाइए टूल बार, टूल बार के बाद यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन आएगा न्यू टूल बार, एक विंडो ओपन होगी, आप डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए, फिर आपने जिस नाम का वो फोल्डर बनाया है उसे आप क्लिक कर दीजिए और यहां पर सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। ये देखिए आपका नेम ऐसे जैसे मेरा नाम आया है वैसे ही आपका नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये डेस्कटॉप की इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको आज बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप डेस्कटॉप के साइट पे देखेंगे एक स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इसे बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू, इसे आप क्लिक कर दीजिए। ये जो स्टार्ट मेन्यू है इसमें वो सामग्री दी होती है जो हमारे यूज आती है, जो कंप्यूटर की कुछ जैसे कि हमने कंप्यूटर में एंटर करना है, इसमें सॉफ्टवेयर्स एक्सेसरीज बहुत ऑप्शंस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, वो हमें किसी ऑप्शन में क्लिक करने पर नहीं मिलेंगे, सबका अपना अपना यहाँ पर रूल होता है। तो जैसे हम इसको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सारा आपको दिखा देगा। स्टार्ट मेन्यू ओपन करके सबसे पहले यहाँ पर एक सर्च प्रोग्राम एंड फाइल आएगा, ये एक सर्च बार है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर सर्च करना है पेंट, तो ये शॉर्टकट तरीके से पेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसी तरह अगर मैंने यहां पर सर्च करना है नोटपैड, तो ये शॉर्टकट तरीके से आपको नोटपैड दिखा देगा कि ये है नोटपैड। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए नोटपैड, ये है सर्च बार, ऑल प्रोग्राम, उसके ऊपर आप देखेंगे ये कैलकुलेटर, पेंट, एमएस ऑफिस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको सहायता के लिए बनाया गया है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, यहां पर आप जाएंगे आपको और ज्यादा यहां पर प्रोग्राम्स मिलेंगे, देखिए जैसे एसेसरी, ये विंडो के सेटिंग्स वगैरह, गेम्स, जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए हैं विंडो, विनरार सॉफ्टवेयर, वंडरशेयर, फिल्मोरा, जो भी सॉफ्टवेयर यहां पर आएंगे। और एसेसरी में आपको कैलकुलेटर, कमांड प्रमोट, उसके बाद कनेक्टर, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, रन, वर्ल्ड पैड, पेंट, ये चीजें आएंगी। अगर आप इसके साइट पर देखेंगे तो ये कंप्यूटर का मेरे एसडब्ल्यू नाम आ रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, अगर कई बार हम नेट से स्टूडेंट्स कोई चीज कॉपी करते हैं तो वो डेस्कटॉप में होती है या पिक्चर्स में चली जाती है, माई कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, जहां पर हम कंप्यूटर की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, यह है कंट्रोल पैनल। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंट्रोल पैनल का भी सारा आपको समझाऊंगा, ये है कंट्रोल पैनल। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे स्टार्ट मेन्यू ऑल प्रोग्राम्स को, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है माई कंप्यूटर फ्रेंड्स डेस्कटॉप पे, इसे हम ओपन करेंगे, ये जो आपके सामने विंडो ओपन हुई है इसे हम बोलेंगे ड्राइव्स, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, ये ड्राइव्स होती हैं फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि ये ब्लू आ रहा है आधा हिस्सा, इसका व्हाइट आ रहा है, तो कैसे, तो ये इसकी स्पेस दिखा रहा है कि ये इतनी स्पेस इसकी इसमें भर चुकी है और इतनी इसको खाली पड़ी है। इसको प्रॉपर वे से हम कैसे चेक करेंगे, हम इसका राइट प्रेस करेंगे और प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये पूरी डिस्क जैसे दिखा रहा है, ये देखिए प्रॉपर्टी, देखिए जो एरर ब्लू वाला है इतना यूज हुआ है, और फ्री स्पेस ये आपको कलर भी दिखा रहा है, जो फ्री स्पेस है वो पिंक वाला है फ्रेंड्स, ब्लू वाला सिर्फ इतना ब्लू वाला हमने यूज किया है और पिंक वाला भी ब्लैंक पड़ा है, यानी टोटल है 10.3 GB, फ्री 134 GB, कैपेसिटी 145 GB, हमने यूज कितना किया है 10.3 GB, फ्री अभी 134 GB, टोटल है 145, यानी अभी 134 GB इसका फ्री पड़ा है। तो आपको समझ लगी फ्रेंड्स, तो अब हम एक ड्राइव ओपन करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने राइट क्लिक करना है, न्यू आ गया, यहां पर आ गया फोल्डर, तो हमने यहां पर क्लिक करना है। फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं आरएस दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये देखिए एक न्यू फोल्डर बन गया। न्यू फोल्डर शॉर्टकट किस भी बनेगा, अगर आप सारी कंप्यूटर की शॉर्टकट की जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देखिए 70 कंप्यूटर शॉर्टकट की, ये मैंने वीडियो नेट पे मेरी है, आप मेरे चैनल में जाके आरएस कंप्यूटर का चैनल ओपन कीजिए और 70 कंप्यूटर शॉर्टकट कीज की वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सी शॉर्टकट कीज मिलेंगी जो आपके लिए बड़ी यूजफुल होंगी। उसके बाद मान लीजिए ये फोल्डर है, हम इसको डिलीट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको क्लिक करना है, कीबोर्ड में आपका डिलीट का बटन होगा, या तो आप वहां से ऐसे क्लिक कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो माउस की राइट क्लिक कीजिए और लास्ट पे ऑप्शन होगा डिलीट वाला, आप यहां से इसको क्लिक करेंगे, फिर वो पूछेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन,
ये कह रहा है कि आप श्योर हो कि ये जो मूव वाला वो जो आपका फोल्डर है हम इसे मूव करें रिसाइकल बिन में। स्टूडेंट्स जो भी हम चीज कभी डिलीट करते हैं वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में ये जो दिख रही है इसमें आ जाती है। जैसे देखिए आरएस नाम का फोल्डर है, हमने इसको यस कर दिया। अब मैं रिसाइकल बिन को ओपन करके आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स, ये देखिए ये इस फोल्डर में है आरएस। याद रखना अगर हमने इसको यहां से खाली कर दिया डिलीट कर दिया तो यहां से डिलीट हो जाएगा। अब आरएस फोल्डर को वापस हम उस ड्राइव में कैसे लेके जाएंगे जहां से हमने डिलीट किया था ड्राइव डी में। स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, हमको उसके लिए रिसाइकल बिन को ओपन करना है, आरएस फोल्डर पर क्लिक करना है, राइट प्रेस करके रिस्टोर कट डिलीट प्रॉपर्टी कुछ नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ रिस्टोर का बटन पर क्लिक करना है। देखिए ये रिस्टोर हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं माई कंप्यूटर ड्राइव डी, ये देखिए आरएस का फोल्डर। तो ये स्टूडेंट आपको फोल्डर के बारे में मैंने आपको बताया, और मैं आपको बता दूं जो ड्राइव्स होती हैं इनमें फोल्डर्स होते हैं, आप इनमें बहुत सारे हजार से ऊपर भी फोल्डर बना सकते हो, जितने मर्जी फोल्डर बना सकते हो। ये आपकी डिपेंड करती है कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी है, आपकी रैम कितनी है, कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है, आपके डाटे के ऊपर। अब मेरा इसमें बहुत सारा डाटा है फ्रेंड्स। तो अब आपको फोल्डर बनाना आ गया, आपको डिलीट करना आ गया। अब यही फोल्डर मुझे, ये जो आरएस नाम का फोल्डर है, ये फोल्डर मुझे ड्राइव ई में चाहिए। तो मैं इसे कैसे लेके आऊंगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स हम इस फोल्डर को यहां से क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हम राइट प्रेस करके ये कट का जो ऑप्शन बटन आ रहा है इसे यहां पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा फिक्का धुंधला सा आ जाएगा। उसके बाद बैक पे जाएंगे, जिस जहां हमने इसको रखना है ई पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको आ गया, आपको सिंपली कट करना है। अब आपको मैं बताऊंगा ये फोल्डर आपको वहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए कैसे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वापस ड्राइव डी में आप इसको यहां पर पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह आप इसको कट पेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये था कंप्यूटर के बारे में जो मैंने आपको थोड़ा सा इजी बताया। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे आज की ये चीज होती है स्टूडेंट को, ये होता है कि हम मेमोरी कार्ड में गाने कैसे भरें। तो आज मैं भी आपको वही बताऊंगा कि मेमोरी कार्ड में गाने कैसे भरते हैं। आप अपना माइक कंप्यूटर ओपन कीजिए, मैंने अपने मोबाइल को अटैच पहले से ही किया हुआ है, ये मेरा मेमोरी कार्ड है और ये मेरी फोन की मेमोरी है। तो जैसे मैंने मेमोरी कार्ड अपना ओपन किया, अब मैंने अपनी मेमोरी कार्ड में कुछ गाने भरने हैं, तो मैं अपने माइक कंप्यूटर को ओपन करूंगा, ड्राइव डी को ओपन करूंगा, सॉन्ग सेलेक्ट करूंगा यूट्यूब के सॉन्ग्स, इसको मैं यहां से क्लिक करूंगा। अब मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा और वापस उसी फोल्डर में जाऊंगा मेमोरी कार्ड में और यहां पर सिर्फ मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, तो ये अपने अपने मेमोरी कार्ड में चला गया। अगर आप फोल्डर बना के, अगर आप न्यू फोल्डर बना के करेंगे, आप उसमें पेस्ट करें वो ज्यादा बेस्ट है। ये मैंने आपको स्टूडेंट्स सिखाने के लिए आपको ऐसे बताया है। आप कुछ नहीं करना है, मेमोरी कार्ड सीधा या पेन ड्राइव आपको कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है, डाटा को कॉपी करना है, पेस्ट करना है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, आपको मैंने डेस्कटॉप के बारे में बताया, आपको मैंने आइकन्स के बारे में बताया, आपको आपको मैंने स्टेटस बार के बारे में बताया, मैंने आपको फोल्डर के बारे में बताया, आपको मैंने आल प्रोग्राम स्टार्ट मेन्यू के बारे में थोड़ा सा बताया कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, ये किस लिए काम आता है, आपको मैंने सर्च बार के बारे में बताया, आपको मैंने उसके बाद माइक कंप्यूटर में से ड्राइव्स के बारे में बताया और ये ड्राइव आदि ब्लू आदि व्हाइट क्यों, इसके बारे में फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने आज आपको बताया कि कौन सा फोल्डर कैसे कट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप अधिक कंप्यूटर की जानकारी लेना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल आरएस कंप्यूटर ज्ञान पर विजिट कर सकते हो, आपको ऐसी ढेरों सारी मेरी वीडियोस मिलेंगी जिसे सीखकर आप कंप्यूटर के बेस्ट बन सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपकी स्टूडेंट्स कैसी लगी, आज की वीडियो बहुत ही सिंपल है, हम सभी को पता होता है, लेकिन आज की वीडियो मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.